बेगैरती का आप आलम देखिए कि ये पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा है और अकड़ टू आस्क फॉर सीजन 4। लाइव टीवी लगा दो, अगर बस चलता तो लाइव टीवी लगा दो, है ना, उस दुनिया में हाँ, बिग इट कुड बॉस बी अ के। क्रॉसओवर बिटवीन मिर्जापुर एंड बिग बॉस. नेवर से दैट अगेन। यू गाइस आर वाचिंग डीएनए एंड आई हैव गुड्डू भैया विद मी, अली फजल. अली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, सो आई विल स्टार्ट विद वेलकमिंग, देन आई विल से कांग्रेचुलेशंस, देन आई विल से कांग्रेट्स अगेन. सो अ लॉट ऑफ हैपनिंग इन योर लाइफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, बिकॉज थैंक यू फॉर द टाइम. एंड आई नो रिलीज डे पे ना सम पीपल लाइक टू स्टे इन देयर जोन एंड जस्ट एक्सपेक्ट हाउ पीपल आर डूइंग एंड सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्व एंड वंडर, बट आपने टाइम निकाला, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. बट व्हाट आर द फीलिंग्स लाइक, व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शंस एंड ऑल, हाउ यू फीलिंग टुडे? एक्चुअली आई लिटरली वोकन अप बिफोर द फर्स्ट इंटरव्यू, बिकॉज वो कल रात को बहुत स्क्रीनिंग वॉज हैपनिंग, सम स्मॉल लिटिल यू नो अफेयर्स, सो वी वर ऑल सिटिंग एंड सो आई हैवन्ट बीन एबल टू सी एनीथिंग, एनी रिएक्शंस। आई वाइल टॉकिंग आई बीन चेकिंग ऑन द फोन, दीज मैसेजेस पॉपिंग अप। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ नाइस, एंड एक दो मुझे गालियां आई थी, कोई एक फैन ने भी दी थी। हाँ, और तो अभी आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट इट्स ऑल बीन नहीं, बट स्वीट। मिर्जापुर पे तो ये भी नहीं पता गाली प्यार से तो नहीं दे रहे कहीं हाँ यार, वो बिकॉज़ एक अलग चीज है वो। हाँ, वो अलग एक प्रॉब्लम हाँ. है, बट इट्स बीन नाइस आई थिंक। बट या लेट्स व्हाट सी, वाज इट विल लाइक फाइंड। टू पोर्ट्रे द डार्केस्ट साइड ऑफ गुड्डू दैट वी हैव सीन? लाइक दिस इज हिज डिसेंट इनटू केओस ऑलमोस्ट, राइट? या आई थिंक इट वाज इन रेट्रोस्पेक्ट, आई थिंक नाउ I kind of like what I managed to dive into, or rather what the collaborators allowed me to. I think it was very, very, very welcoming for me that Gurmeet allowed that space for me to bring in some interesting ideas, you know, that I wanted to play with. I thought that was the only way, you know, aage this manic deterioration of his mind, of a person who's just starting to use his brains, just starting to get into his own, as you would expect, and then it's a total dismantle. Then you start realizing it's not just him. He you know, it's been living with all these other persons. So Exactly. And I don't know if it it's comes. almost Shakespearean. Like I want to say that because of his descent and the justification for it in his own mind and whatever is happening. So मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया, हाउ ही हैज ग्रोन एंड इवॉल्व फ्रॉम सीजन 1 to 3. बिकॉज इफ आई वर टू वॉच सीजन 1 एपिसोड 1 टुडे एंड देन सी सीजन 3, आई थिंक इट विल बी टू डिफरेंट पीपल ऑलमोस्ट, राइट? हाँ, मतलब इट्स क्वाइट अ या आई मीन आल्सो आई थिंक द गुड पार्ट इज दैट एज एन एक्टर दोस 2 सीजंस एक्ट एज ग्रेट मेमोरी बैंक्स फॉर मी, यू नो, सो आई थिंक आई सपोज यू आर राइट। To get back to Mirzapur, people have been asking after people who have watched it, of course, full ki चौथा सीजन आ रहा है कि नहीं. मैंने कहा लेट्स आस्क यू, व्हाट डू यू नो अबाउट इट? मतलब आप गैरती का आप आलम देखिए कि ये पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा है और अकड़ टू आस्क फॉर सीजन 4। यानी 2 साल से इंतजार हो रहा था. आई वुड से एंजॉय तो कर लो जो आया है, अभी आगे क्यों देख रहे हो? या बट नहीं, मैं तो सवाल आने शुरू हो गए चौथे सीजन में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है तो क्या आ रहा है? एंड आई सेड ओके, चलो पूछते हैं आपसे. बट हाँ, व्हाट्स इट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ इंट्रीग कि आपने कुछ डाला एंड ऑलरेडी पीपल वांट कि हमें कुछ और दो. दैट सॉर्ट ऑफ लव, दैट सॉर्ट ऑफ डिवोशन टू समथिंग इज क्रेजी, राइट? But it's scary that now that something that people get latched on to, एक लत जिसको आप फिर you yourself become a demon and start demanding it to a point of मुझे चाहिए है भाई, I don't care about anything else, so you know then to a point where उसकी दूसरी अगर तुलना में करूं तो वो लाइव टीवी लगा दो, अगर बस चलता तो लाइव टीवी लगा दो, है ना, उस दुनिया में हाँ, बिग इट कुड बॉस बी अ के। क्रॉसओवर बिटवीन मिर्जापुर एंड बिग बॉस. नेवर से दैट अगेन प्लीज। यू टर्न प्रोड्यूसर एंड द फिल्म्स आर डूइंग ग्रेट. वो भी एक एडल्टिंग मोमेंट हो गया ना, बिकॉज या मैं
अदाकार बनने आए थे, राइट आर्टिस्ट यू हैव ऑलवेज बीन वन, बट नाउ टू बी सॉर्ट ऑफ लाइक बिहाइंड द कैमरा, बिजनेस सेंस एंड ऑल दैट, आई डोंट नो हाउ यू नेचर डिवाइड दैट पार्ट, बट व्हाट इज दैट लाइक? इट्स अ लेसन इन ह्यूमिलिटी एक्चुअली. वो मतलब प्रोड्यूसिंग इज हैंडलिंग पीपल, इट इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट मैनेजिंग पीपल. योर इट्स लाइक अ वेरी लार्ज हार्टेड वेल पेड थेरेपिस्ट. सो वो और एटलीस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ वेल पेड थेरेपिस्ट, यू नो, हु कैन जस्ट बिल्कुल मैनेज देम एंड सिंक्रोनाइज दिस इंटायर टीम टुगेदर, एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट इज बेस्ड ऑन द नैरेटिव एंड द स्क्रिप्ट. एंड मैन, वी आर लकी, हैप्पी दैट our film just keeps giving, like keeps giving. It started where at Sundance early this year, and this month itself we've bagged like three grand juries back to back. So yeah, I'm shamelessly इसका ढिंडोरा तो मैं पीटता रहता नहीं हूँ. नहीं आई कैन सी द ग्रिन ऑन योर फेस, तो रहनी चाहिए वो, तो बिल्कुल रहनी चाहिए. इट्स लाइक आई मीन व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग एंड इट डज सो वेल, एक अलग ही फीलिंग होती है. एंड फॉर अ स्मॉल फिल्म एज वी कॉल इट, इंडिया में उनको नोटिस कराना बहुत मुश्किल होता है. बहुत यू मुश्किल होता सी है. मोस्ट मतलब ऑफ हमारी देयर ऑफ इतनी प्यारी जर्नी चल रही है पूरे दुनिया में, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि टू फाइंड इट्स होम एट होम विल यू नो, फॉर मी इज दैट दैट बिग कमिंग होम वाला एक मोमेंट. बिकॉज मैन लाइक प्रीति, हुज फर्स्ट, इट्स अ फर्स्ट फिल्म फॉर हर, शी वन बेस्ट एक्टर एट सनडांस फॉर दिस. दे डोंट हैव मेल फीमेल अवार्ड, इट्स वन अवार्ड. सो in an ideal world she should be at the top of every casting director's list in India, but you know we You have know to how then figure realities out. are. Yeah. हाँ, तो उसका ऑप्टिक्स अलग होता है, तो हम फिर ऑप्टिक्स में आ जाते Exactly. हैं. बट एनी वे, आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो वी कैन चैंपियन दीज पीपल एंड एज मच एज वी कैन, एंड होपफुली यू नो दिस फिल्म डज वेल. I'll just wrap up with a couple of questions. One is basically you talk about producing and Girls Will Be Girls. How do you and Richard divide duties? Do you have clashes as co-producers? Because co-producers and partners, I don't know how that works. But कैसे रहता है? Or do are you very complimentary finishing each other's sentences type? नो, वी कट, ओवरलैप, सब उल्टा होता है कभी कभी तो. बट आई थिंक समवेयर देयर इज एन अनसेड गुड कॉप बैड कॉप, वी नो व्हेन टू स्विच एंड वी पुल इट ऑफ. मतलब हैं हम थोड़े से जुगाड़ू गुड कॉप कौन है आप लोग इसमें? हैं. गुड कॉप कौन है? मैं समटाइम्स मी समटाइम्स हर यार, वो दैट इज इट्स वंडरफुल है कि इतना दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री तो हाँ बहुत अच्छा है. हाँ वो कॉम्प्लीमेंटिंग अच्छी है. बट शी इज रियली गुड एट लाइक, yeah, it's just something she's great at. Like, I can't, and some things I'm, you know, so we manage somehow. But we're managing, we're trying to manage. It's all baby steps for us. So it's kind of new. You mentioned a very nice phrase, baby steps, which is why you know what I'm coming to now. Has it I sunk knew I gave it into the next question. in? Sorry, I had to, but has it sunk in? Because I asked people this and I asked Richa a couple of months ago, has it sunk in? She's like, abhi to kuch pata nahi chal raha hai. So, aapko kaisa hai ki, is it sinking in the concept of being a dad? What is it? नहीं मतलब नहीं. इट्स, आई हैव रेड बुक्स, यू नो, हाउ टू रेज अ वाइकिंग एटसेट्रा. गुड गुड नहीं, आई एम किडिंग, बट आई यू नो दैट्स ऑल यू कैन डू. आई मीन वी डोंट, आई सपोज वी हैव टू वेट फॉर द एक्सपीरियंस. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अली. ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग. द फिल्म कमिंग टू इंडिया, फादरहुड, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड रिचा. गिव माय लव टू हर एज ऑलवेज. एंड बहुत अच्छा लगता है भाई आपसे बात करके एज ऑलवेज. टेक केयर. टेक केयर थैंक यू भाई. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. टेक केयर. थैंक यू बाय अली. बाय.